नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। श्रीमान रामवीर सिंह बिजली जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का ध्यान डीटीसी में कार्य कर रहे हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की ओर, दिल्ली के स्कूल्स में लगभग जो 20,000 गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं, आंगनवाड़ी महिलाओं की ओर, आशा वर्कर्स की ओर, होम गार्ड के कर्मचारियों की ओर और डीटी से जो मार्शल्स हटा दिए गए हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और दिल्ली सरकार के अन्य विभागों में भी हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं। श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अनेकों बार ये वायदा किया था कि गेस्ट टीचर्स को नियमित किया जाएगा और दिल्ली के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनकी सरकार उनको नियमित करेगी। लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि पिछले 9 सालों में श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाई और निरंतर ये लाखों लोग मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते मिलते हैं, मुझसे आग्रह करते हैं कि हमारे इन मुद्दों को आप विधानसभा के अंदर आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के नोटिस में लाएं। तो मैं आज आपके माध्यम से दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इन लाखों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की ओर से आग्रह करता हूँ कि सरकार अपने वायदे के मुताबिक इन सभी को नियमित करें और डीटीसी के जो भूतपूर्व कर्मचारी हैं या जो रिटायर्ड हो गए हैं उनको समय पर पेंशन नहीं दी जाती है, अनेक तरह की मुश्किलें उनके सामने आती हैं और वो फिर दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मैं ये आपके माध्यम से, क्योंकि यह ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हुए हैं, शायद उन्होंने इस संबंध में कोई कदम उठाया भी है, लेकिन समय पर कर्मचारियों को या जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको उनका वेतन और उनकी पेंशन मिलनी चाहिए। मैं यही बातें आपके माध्यम से दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और जो हमारे अन्य ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं उनकी इन समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको करवाएंगे क्या, बीजेपी इसमें साथ देगी? ये वादा करें कि बीजेपी साथ दे इसमें और सारे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कर्मचारियों को पक्का करवाए। आम आदमी पार्टी की सरकार किसी भी तरह ठेकेदारी प्रथा के समर्थन में नहीं है, उसको खत्म करना चाहती है। मुझे आज भी याद है माननीय मुख्यमंत्री जी का आधे से ज्यादा भाषण छत्रसाल स्टेडियम के अंदर 15 अगस्त के दिन का भाषण है। उन्हें आधे से ज्यादा भाषण इस पे था, हम कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे और वो पक्का करना चाहते हैं। कुछ टीचरों को पक्का करने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया था लेकिन बीजेपी ने साथ नहीं दिया, इनके एलजी ने साथ नहीं दिया। क्या ये लीडर ऑफ अपोजिशन इसका वायदा करेंगे, क्या उनको पक्का करने में साथ देंगे? एलजी इनके हैं, ये पक्का करने का वायदा करें, हम इनके साथ हैं। मैं इस प्रस्ताव को ला रहा हूं कि उनको पक्का करने के लिए सरकार तैयार है, पूरा सदन तैयार है। पूछ लीजिए सारे सदस्यों से, एक भी सदस्य इसके खिलाफ नहीं है। सब चाहते हैं कि सारे कच्चे कर्मचारी पक्के होने चाहिए। क्या ये तैयार है, ये वादा करें सबके सामने। धन्यवाद दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।